नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की तैनात टीम के सामने रोज सोने की तस्करी के नए मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को विभाग ने सोना तस्करी का अनोखा मामला पकड़ा है। दुबई से आया एक यात्री अनोखी इंजीनियरिंग कर हथौड़ी के अंदर सोना छिपा कर लाया था। पीटने के लिए बने हथौड़ी के दोनों सिरों के अंदर खोखले कंपार्टमेंट बनाकर उसमें 700 ग्राम सोना पिघला कर रखा गया था। सोना बरामद करने में ही अधिकारियों को 3 से 4 घंटे से ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। डिप्टी कमिश्नर देवेश गुप्ता के मुताबिक मंगलवार रात 12:30 बजे आई दुबई फ्लाइट के एक यात्री के हावभाव पर सुप्रिटेंडेंट अजय तोमर को शक हुआ। इसके बाद यात्री के सामान को स्कैनर में भेजा गया। बैग में हथौड़ी नजर आई। दुबई से लोहे की सामान्य हथौड़ी लेकर आने पर संदेह हुआ। इसकी जानकारी असिस्टेंट कमिश्नर शक्ति सिंह गोहिल को दी गई। उन्होंने यात्री को पूछताछ के लिए रोकने के निर्देश दिए। कमिश्नर नीरव मलिक से अनुमति लेकर यात्री के सघन पूछताछ शुरू हुई। हथौड़ी की स्कैनिंग में उसके मुख्य भाग और अंदरूनी बनावट की धातु में असमानता नजर आई। पहले आरे से हथौड़ी को काटने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। बुधवार सुबह लैथ मशीन पर भेजकर हथौड़ी के ऊपरी लोहे की परत को काटा गया। काफी सावधानी से करीब 3 घंटे तक धीरे धीरे लोहे की परत को छीला गया। हथौड़ी के जिन दो सिरों से चोट मारी जाती है उनके भीतर खोखले कंपार्टमेंट में सोना मिला। इसे पिघला कर डाला गया था। सोना जब्त कर यात्री से पूछताछ की जा रही है। शक है वह किसी बड़े तस्कर गिरोह का सदस्य हो सकता है। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।